आधार अपडेट के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 26 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। निगम भिलाई की आम नागरिकों से अपील है कि जिन्होंने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, वह अपना आधार कार्ड शीघ्र ही अपडेट करा लें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी दस्तावेजों के लिए भी आधार अपडेशन जरूरी है। 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया है, उन्हें आधार अपडेशन करवाना अत्यंत अनिवार्य हो गया है, ताकि उन्हें इस आधार पर अन्य दस्तावेजों को बनाने में सहूलियत हो और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब तक कई लोगों ने शिविर का लाभ उठाते हुए अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया है, साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिया है। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर कर्मचारियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आधार अपडेशन नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। आधार कार्ड अपडेट के लिए निगम क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं। आधार संबंधी जो कार्य होते हैं, उसका जो अपडेशन है वो आवश्यक होता है, क्योंकि 10 वर्ष पुराने आधार होंगे, उनको अपडेट कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे जो नंबर्स होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं वो चले जाते हैं। इन सबको देखते हुए आधार कार्ड अपडेशन कराना अनिवार्य है, जिसके लिए निगम क्षेत्र में 26 तारीख से शिविर लगने जा रहा है और 19 जुलाई तक जो है शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में मेरी अपील है कि सभी जो ऐसे होंगे व्यक्ति जिन्होंने आधार अपडेशन नहीं करवाया होगा, अपना आधार अपडेशन करवा लें, क्योंकि आधार से जो बनने के बाद कई सारे दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें आधार काम आता है और आयुष्मान बनाने के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि आयुष्मान बनाने के लिए ही आधार कार्ड का अपडेशन शिविर लगाया जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि अपना आधार कार्ड जरूर अपडेशन करवा करके आयुष्मान कार्ड बनवा लें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का होना जरूरी है। राशन कार्ड निगम के सभी जोन कार्यालय के चॉइस सेंटर में बनाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।